नादरीन, आज की इस वीडियो में मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, वाह वो दुनिया के किसी भी कोना में मौजूद हों, ये दो अज़ा आपको तकरीबन बआसानी से मिल जाएंगे, जिनके इस्तेमाल से आप अमसाक वक्ती टाइमिंग का भरपूर मज़ा जो है वो आप लेंगे। नहायत ही सादा नुस्खा है, कोई इसमें आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, ना जलाना है ना गलाना है। सिर्फ हम बिस्तरी से पहले इस पान को आप मुंह में डाल लें, जब तक ये पान मुंह में रहेगा आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, फारिग नहीं होंगे। वक्ती टाइमिंग का खासुल खास नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, उम्मीद करूँगा तमाम व्यूवर्स को अच्छा लगेगा। तो जिन भाइयों को अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने भी नुस्खा जात हैं वो आप आसानी देख सकें। तो नाज़रीन, नुस्खा ये नहायत ही कदीम है, आज का नुस्खा नहीं है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, ये नुस्खा सिर्फ कदीम कुतुब खानों में मौजूद है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूवर्स को बता दूँ कि ये वक्ती टाइमिंग का नुस्खा है, ये सूरत अंजाल जरियान या टाइमिंग का जिनको मर्ज है उनका इलाज नहीं है, ये सिर्फ वक्ती टाइमिंग का नुस्खा है, आप इसको वक्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मर्दाना टाइमिंग का मसला है वो दूर हो जाएगा, ये सिर्फ वक्ती टाइमिंग का, जहां आप वो इंग्लिश अदवाइयात गोलियाँ या स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं वहाँ ये दो कुदरती चीज़ें आप इस्तेमाल करें, उनसे ज़्यादा रिजल्ट देंगी, उनसे कम नहीं देंगी, इस चीज़ की गारंटी है। अब नुस्खा किस तरीके से तैयार करना है, सिर्फ दो चीज़ें। नंबर एक, पान का ताज़ा पत्ता जो अक्सर पान की दुकानों से मिल जाता है, और नंबर दो, रोगने तुख्म में धतूरा, यानी कि धतूरा के तुख्म यानी उसके बीज का रोगन जो है उसका आपने इस्तेमाल करना है, रोगन धतूरा नहीं इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होगी, लेकिन आपने चूँकि मैंने वीडियो में बताया है कि रोगन तुख्म में धतूरा, ये दो अजदा हैं। अब इसको तैयार किस तरीके से करना है, सोते वक्त खाना शाना खा कर, जिस रात हम बिस्तरी का प्रोग्राम हो आपने तह पा गया हो, आपने उस रात खाना कम खाना है, और जो पान का नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये आपने हमिस्त्री से कबल आपने उस पान पे चूना की जगह रोगने तुख में धतूरा लगाएं, पूरे पत्ते पे लगाएं। लगाने के बाद जिस तरह चूना लगाया जाता है, इस तरह लगाने के बाद उसे फोल्ड करके अपने मुंह में रख लें और हल्का हल्का चबाते रहें। जिस तरह उसका सत उसका अर्क अंदर जाएगा, उस तरह आपका अमसाक बढ़ता जाएगा। शदीद किस्म की मर्दाना टाइमिंग का वक्ती नुस्खा, जो किसी भी मर्दाना टाइमिंग की गोली से सबकत रखता है, आप इसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा तमाम व्यूवर्स को ये नुस्खा अच्छा लगा होगा। मर्दाना टाइमिंग का देसी तरीका, जिसे आप मर्दाना टाइमिंग का पान भी कह सकते हैं, इसके इस्तेमाल के बाद आपने कोई तुर्श चीज़, कोई खट्टी चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी। इसीलिए मैंने बताया कि मुबाशरत हम बिस्तरी से कबल आप इसको इस्तेमाल करें, और इसका अर्क जैसे ही अंदर जाएगा ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी नुस्खा जात हैं उसे आप आसानी देख सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।